बहनों, आपके लिए लेके आए देश दुनिया की तमाम ताज़ा और अहम बड़ी खबरें आपके कॉमन न्यूज़ नेटवर्क पर पहली बार। अगली खबर की ओर, हमास के चुंगुल से रिहा हुई इसराइल की दो महिलाओं ने जमकर की हमास की तारीफ, इसराइल को बताया दोषी, दुनिया के उड़े होश। जी, आपको बता दें कि इसराइल हमास जंग के बीच में सोमवार की शाम हमास के लड़ाकों ने इसराइल की बुजुर्ग दो महिलाओं को रिहा किया। रिहाई के बाद इसराइल पहुंचकर महिलाओं ने हमास की जमकर तारीफ की और इसराइल को दोषी ठहराया। उनके इस बयान को सुनकर दुनिया के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि रिहाई के बाद उन्होंने खुलासा किया कि हमास के लड़ाकों ने जब उनको बंधक बनाया था तो उन्हें फिलिस्तीन के सुरंगों में ले जाया गया था, जहां कैद के दौरान उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। उन्होंने बताया कि गाजा के अंदर मकड़ी के जाल जैसे सुरंगें हैं। जब वे भीतर अंदर कैद थी तो हमास के अन्य लड़ाकों ने हमसे मुलाकात की थी और उनकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया था। आगे उन्होंने कहा कि हमास ने हमारे साथ नरमी से व्यवहार किया, हमास बहुत अच्छा है और उसको बाहर गलत दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमास सिर्फ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, किसी की हत्या नहीं कर सकता और दुनिया उसे आतंकवादी कहना छोड़ दे। इसी बीच अगली खबर की ओर, मुस्लिम देश कतर ने इसराइल को खुली छूट देने पर जताई नाराज़गी, कहा मुसलमानों की हो रही है लगातार हत्या। जी, आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जंग जारी है। आईएसआई जंग में इसराइल को खुली छूट देने पर एक बार मुस्लिम देश कतर ने आपत्ति जताई है और कहा कि हत्या की अप्रतिबंधित अनुमति देना हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जब से हमास ने इसराइल पर हमला किया है, तब से हमास के खिलाफ इसराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है, जिसमें हज़ारों लोगों की हत्या हो रही है। इन्हीं हत्याओं को लेकर मुस्लिम देश कतर ने नाराज़गी जताई और दुनिया भर के देशों से कहा कि इसराइल को जो हमले की खुली छूट दे रखी है वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसराइल लगातार गाजा के बेगुनाह लोगों को मार रहा है।